मटर पुलाव जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा रेसिपी है, सब हर घर में बनती है, हर फेस्टिवल में बनती है, फंक्शंस में बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको मटर पुलाव की जो रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, अनोखे तरीके से बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। और इसमें कोई अदरक लहसुन नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी, बड़ी आसानी से बन जाएगी। बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो कि मैं इसमें देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं फ्रेश मटर। तो मटर आप देखिएगा कि सॉफ्ट लें, टाइट वाले ना लें, और मटर को छील लें। सॉफ्ट वाले जो मटर होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसमें पुलाव का। तो इस तरह से यहाँ मटर छिल गए हैं। मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डाला है, देसी घी, और उसमें ये छिले हुए मटर डाल देना है। और इसको जब तक तलना है आपको, जब तक कि ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट में आपको कलर इस तरह से नज़र आएगा। और मीडियम आँच रखें। नमक डाल दिया इसमें, और मैं डाल रही हूँ सिर्फ काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और इसमें कोई पानी नहीं पड़ेगा और कोई मसाला नहीं पड़ेगा। इसको सिर्फ धीमी आंच पे हमको ढाँक के रखना है गलने के लिए। आप चेक कर लीजिएगा, अगर मटर टाइट है तो उसमें आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कटोरी चावल, और ये चावल मैंने जो लिया है वो जो इस सीज़न का नया चावल होता है, देसी चावल, वो लिया है। उससे एक अलग सा टेस्ट आता है। तो चावलों को अच्छी तरह से धो लिया, और अब यहाँ पे मैं एक भगोना चढ़ा रही हूँ। उसमें 1 चम्मच बड़ा तेल लिया है। तेल को गर्म हो जाने के बाद इस पर हम डाल देंगे ये खड़े मसाले, जिसमें कि है ज़ीरा 1/2 चम्मच, और ये 2 पत्ते, और ये है हमारा थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा, ये जावित्री छोटा पीस, और ये है स्टार एनीस 1, और ये मैंने डाला है दालचीनी का छोटा टुकड़ा, और यहाँ पे हैं 5 लौंगे, 3 छोटी इलायची, और ये स्याह ज़ीरा है, काला वाला जो ज़ीरा होता है वो। तो ये थोड़े से गरम मसालों को थोड़ा सा क्रैकल हो जाने दें, इनकी खुशबू आने लगेगी। गरम मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये तलेंगे, इसके बाद अब मैं डाल देती हूँ 1 छोटी कटी हुई प्याज। तो प्याज को हम गुलाबी हो जाने तक तलेंगे। गुलाबी हो गई है प्याज। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो ये वही कटोरी है जिससे मैंने चावल मेजर किया था, तो इसमें मैं 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। ऐसे तो मुझे 2 कटोरी चावल लिए हैं तो 4 कटोरी पानी डालना चाहिए था, पर मैं डाल रही हूँ 3। और इसमें मैंने डाला नमक 3/4 डाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी मटर में डाल चुके हैं नमक। यहाँ पानी उबल गया है, और इसमें मैं धुले हुए चावल डाल देती हूँ, और इसको भी तेज़ आँच में ही हमको पकाना है, ढाँकना नहीं है। तो ये चावल भी अच्छी तरह से मिला दें और इसको उबलने का इंतज़ार करेंगे। उधर आप देख रहे हैं कि मटर भी गल रहे हैं, तो चावलों में अब उबाल आ गया है, और इसको चला दें ताकि ये बीच में थक्का सा ना बने। और इधर मैं मटर चेक कर रही हूँ, तो मटर ये हमारे, क्योंकि सॉफ्ट वाले मटर लिए थे, जल्दी गल जाते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ये देखिए आप आसानी से बिल्कुल गल चुके हैं ये, और अब ये मटर हम डाल देंगे अपने ये उबलते हुए चावलों में। और तो ये चावल जब तक आधे पक चुके थे, हाफ कुक हो गए थे, तब उसमें मटर डालना है। और अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे, इतना कि जो पानी आपको दिख रहा है वो और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी और कम हो गया है। अब ये हमारे चावल 3/4 पक चुके हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दूध। दूध डालने से एक अलग सा फ्लेवर डेवलप होगा, और कई बार बहुत सिंपल रेसिपीज़ बहुत ही अमेजिंग होती हैं, तो ये उनमें से एक है, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे ढाँक के रख रही हूँ मैं इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए। और 1 कटोरी में मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी, देसी घी लिया है, और इसको गर्म करेंगे हम। घी गर्म हो जाएगा थोड़ा, फिर इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे बारीक स्लाइसेस, और इसको हम बघार में इस्तेमाल करेंगे। और उधर जो पुलाव दम किया हुआ हमने रखा हुआ है उस पर ये बघार लगा देंगे देसी घी और प्याज का, बहुत अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और आप चावलों को चेक कर लें, अगर इस बीच थोड़ी भी कसर रह गई है तो फिर से ढाँक के रख दें, करीब 5 मिनट तक हो जाएंगे वो आसानी से। और यहाँ पर पुलाव ये रेडी है, गर्मा गर्म पुलाव सर्व करें, खाएँ और खिलाएँ। और आप मुझे बताएँ आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी। तो आपको अब करना है वीडियो को लाइक और शेयर, और यहाँ पे मैंने किया है इसको दही और चटनी के साथ सर्व, बहुत ही अच्छी लगती है टमाटर की चटनी इसके साथ। और अपनी फ्रेंड्स फैमिली को बताएं समत किचन के बारे में, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग समत किचन।